सुना है कि किले मतलब लास्ट वीक में भी मैं आया था एंड मैं आधे दूर तक ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ देखे पहाड़ में ऊपर तक जा था बट वो इससे भी बहुत दूर है किला। सो ये पूरा रास्ता कंप्लीट करना पड़ेगा एंड आई हैव की ट्रेकिंग जो है ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 घंटे की है। सो थोड़ी थ्रिलिंग है, पूरे जंगल में से जाना पड़ता है पहाड़ों में से, तो इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द किले मोरगिरी एंड सी हाउ इट इज़ and hopefully I will enjoy the journey of it and I will explore the lot of it how it was. Hi, thank you so much for watching. Come this like karo, share karo, comment karo. If you're new to the channel, subscribe karo. And today we have the 2 more new guests here. Hi. So ye hamare Pankaj bhai and ye hamare Valsa bhai ke saath mein hai. And we three are going to be trek today and let's see how it is and let's have the enjoy. Let's do the enjoy at the Morgiri and enjoy the trekking of it. Alright guys, thank you so much for watching. Come this like karo, share karo, comments karo. If you are new to the channel, subscribe karo. Alright guys, so इस समय हम पहुंच गए हैं किले मोरगिरी के पास। वो जो आपको पीछे टापू के ऊपर दिख रहा है, सेकंड नंबर जो सबसे ऊंचा है, वही एक्चुअली किला है एंड हमें उसके ऊपर जाना है। एंड इसके ऊपर जाने के लिए हमें ये पूरा ट्रैक चलना पड़ेगा। उस पहाड़ के पीछे से कहीं से घूम के ऊपर जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द किले मोरगिरी। Keep watching, come this, like करो, share करो, comments करो। If you're new to the channel, subscribe करो। And view तो बस यहाँ का बस देख लो आप, चारों तरफ का व्यू व्यू है, खतरनाक पहाड़ है। अभी तो मैं आधा पहाड़ ही चला हूँ, आधा चलाना बाकी है। Hi, see you on the top। Guys, so इस समय हम पहुँच गए हैं, बीच में मिला है एक छोटा सा वाटरफॉल, झरना बोल सकता हूँ मैं इसको, जो कि हम लोग अभी पानी पी रहे थे। काफ़ी दूर अच्छा खासा कोई 1-2 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं मोरगिरी जाने के लिए, ट्रैकिंग किया और बीच में ये पानी का झरना मिला। पानी काफ़ी ज़्यादा नीट क्लीन एंड कूल है। सो हमारे पंकज भाई पानी भर रहे हैं अभी क्लीनिंग का। पंकज भाई को गर्मी हो रही है, फायदा प्रकार के बॉडी बॉडी दिखा रहे हैं हमारे को। सो और चलना बाकी, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, जस्ट डूइंग ट्रैकिंग। हाय गाइस, की वॉचिंग, कम दिस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो। हाइट गाइस, तो पैदल चलते चलते जब हम आते हैं, ये हमारे पीछे कुछ ऐसा पूरा जंगल होता है, जंगल से जब हम आते हैं तो लास्टली हमें एक एरो पॉइंट मिलता है। उन्होंने यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है, तो ये बोर्ड है, यहाँ से हम आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वापस लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ने का, वो जो आप ऊपर निकले वहाँ किला है, हमें वहाँ जाना है उस किले के ऊपर। हाँ, यहाँ पर भी एरो वगैरह लगा के रखे उन्होंने ताकि जंगल में कोई घूमे ना। एंड इट्स गुड थिंग अबाउट द पीपल हु हैव डन दिस and I really want to thanks to that both people who did it. Thank you so much guys to make the way easy for us. Alright guys, keep watching, come this, like karo, share karo, comments karo. If you're new to the channel, subscribe karo. So rasta kuch aisa hai, aapko ekdam khadi chalai hai and jagah kuch zyada hi phisalne wali hai. Trekking is so thrilling. हाँ, एंड हम लोग बस चढ़ रहे हैं। थैंक गॉड कि अभी तो बारिश ख़त्म नहीं हुई है, तो पेड़ वगैरह हरे हैं जिसका सपोर्ट मिल रहा है, तो पकड़ के हम लोग चढ़ रहे हैं। अदरवाइज गर्मियों में तो सच में यहाँ पर बिना रस्सी के आदमी चढ़ भी नहीं सकता एंड विदाउट सपोर्ट नथिंग इज़ पॉसिबल एट हियर। हाँ,
It's really Kile Morgiri is so interesting and so thrilling. Hi guys. Better let me keep the camera inside and meet you on the top. If you're watching, come please like karo, share karo, comment karo. If you're new to the channel, subscribe karo. How is your experience? So thrilling, na? Little mistake can take you to life risk. So guys, वो रहा हमारे सामने थुंग, जो सिंगल सबसे ऊंचा टापू है. एंड ये हमारा पौना डे लेक है पूरा. एंड ये हमारे किले मोरीगढ़ का पूरा स्पेस नीचे का. एंड तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं, सबसे पहले तो रास्ता जो है बहुत थ्रिलिंग है, एकदम ट्रैक जो है ख़तरनाक सा है. एंड रास्ता जो है एकदम ख़तरनाक सा, एकदम थ्रिलिंग भरा हुआ है. एंड जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंच के आपको ये एक लास्ट पॉइंट मिलता है जहाँ से हमें ऊपर चलना होता है. एंड यहाँ से एक तरफ इस तरह से कुछ है. एंड छोटे छोटे से पहाड़ों के बीच के जो पत्थर टूटे हैं, लिटिल बिट कैप टाइप का है जिसमें पानी वगैरह भरा हुआ है. एंड ये जो पत्थर वगैरह लोगों ने उनको भगवान की तरह मतलब वो सिंदूर वगैरह पूछ के भगवान वगैरह बना दिया ताकि कोई गंदा संदा ना करे. मतलब लोग होते हैं ना, किसी को कुछ करना होता है और सिंगल डबल, तो इसलिए सो डैट कि पानी भी नीट एंड क्लीन रहे. अगर कोई आए तो इमरजेंसी में पानी यूज़ में हो सके, या तो पीने के या मुँह धोने के या कुछ भी यूज़फुल अच्छी तरह से कोई कर सके, इसलिए. तो ये दो चीज़ें यहाँ से होती हैं. एंड जैसे ही हम इसके आगे आते हैं, तो फिर रास्ता तो भाई साहब आप मैं क्या बोलूँ आपको. ये देखो आप मेरे नीचे, यहाँ से कैसे आदमी आएगा, ये स्लीपी रास्ते से कैसे आदमी आएगा. इसका कुछ रास्ता है जिसे हमें आना होता है. एंड इसके बाद में बोल यहाँ मतलब बस ये ऐसे ही छोटे छोटे से कैप टाइप के हैं जिनमें पानी वगैरह भरा हुआ है. तो बाहरी बनों की ऑटोमेटिक बन गए हैं, या पुराने ज़माने में शायद पानी वगैरह भरने के लिए होगा, या आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज़. एंड बस ऐसे ही रास्ते से हमें आना होता है. एंड सी हाउ दिस इज़ व्हाट वी कैन सी हियर, इज सो नाइस. एंड बस यहीं से हमें इतना रिस्क लेके जाना होता है. सो इट्स रियली बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है बॉस. आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपको नीचे पहुंचा सकता है. सो वी केयरफुली वाइल कमिंग टू दिस वे. एंड ट्रैकिंग तो ऑसम है बॉस, किले मोरीगढ़. तो कहते हैं इसको किला तो नहीं बोल सकते, बट एक काइंड ऑफ समथिंग कुछ था ये. एंड उसके बाद में यहाँ होता है ये एक हमारा माता का मंदिर है, ये जाक माता का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर. सो आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, जाक माता लिखा हुआ है. ये कुछ इस तरह से मूर्तियाँ हैं, साड़ी वगैरह है. सो एंड साइड में ये पानी भर गया है. एंड बोके तो बॉस यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से होता है. सामने ये झंडा लगा हुआ है, घंटी है जिनको आप बजा सकते हो. एंड दिस इज ऑल हियर. उसके बाद यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगी हुई है जिनसे हम ऊपर चलना है. तो इन सीढ़ियों से जब हम ऊपर चलते हैं, तो इट्स रियली गुड यार, समथिंग अमेजिंग है. राइट,
सो चलो फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं हाउ इट इज़। की वॉचिंग कमलेश, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, इफ़ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब। हाइट गाइस, सो मंदिर के पास से एक चीज़ मैंने माइंड की है कि यहाँ से ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, जो हमेशा करता हूँ मैं। खतरनाक एक बॉस, एकदम खतरनाक एक रियली, आज तक का मेरा सबसे खतरनाक एक मुझे इस पॉइंट पे ही मिला। इट्स रियली ऑसम, वाओ। राइट गाइस, चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कैसा होता है। एंड ये सीढ़ियाँ लोहे की हैं, पाइप है, सीढ़ियाँ हैं, सो लेट्स गो अप एंड सी हाउ इट इज। Oh God. काफी ज्यादा थ्रिलिंग है बॉस। सो बॉस फाइनली हम ऊपर यहाँ तक पहुँच गए। हमारे साथ के जो लोग थे वो पता नहीं कहाँ रह गए, पीछे पंकज भाई और उनके फ्रेंड। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं पहुँच गया हूँ किले मोरीगढ़, और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ किले मोरीगढ़ के ऊपर, और ये जो आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे हो, ये किले मोरीगढ़ का एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं, बट जो व्यू है यहाँ का बहुत 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 औसम है बॉस। एंड ये पूरा सामने पूरा पावना डैम है, एंड थोड़ा सा अराउंड मैं उसको यहाँ से इस बार में वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो हमारा किले तुंग होता है जब हमने लास्ट वीक में कवर किया था। एंड सामने लोहेगढ़ होता है, उधर बीजापुर होता है, ये मोरीगढ़ है, और इधर कहीं पर कोरीगढ़ आता है। आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट कोरीगढ़ करना है तो। एंड व्यू तो बहुत औसम है, जो ट्रैकिंग है ना बॉस सच में थ्रिलिंग है। मेरे साथ वाले तो नीचे ही रुक गए, बोलते बस सर इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। सो इट्स सो नाइस, सो औसम एंड इट्स लवली, एंड ट्रैकिंग बस सो थ्रिलिंग, एंड आई एम सो एंजॉइंग हियर। एंड व्हाट डू यू से यार, इट्स लाइक खतरनाक एक बॉस। ऑलराइट गाइस, की वॉचिंग कमलेश, चलो फिर। वैसे इस किले के ऊपर ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं है, एंड किले के ऊपर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पूरा सब कुछ मतलब ये इसको किला नहीं बोल सकते, ये काइंड ऑफ का मतलब निगरानी रखने के लिए इसको बनाया गया था बोलते हैं उस ज़माने में, कि यहाँ से सिर्फ जो सैनिक होते थे, एक दो सैनिक वगैरह यहाँ रहते थे और वो यहाँ से निगरानी रखते थे। एंड दो यहाँ से हर जगह आवाज़ पास आउट होती है, तो वो लोग सिर्फ यहाँ से आवाज़ को जो है पास आउट कर देते थे सबको। दिस इज हिस्ट्री अबाउट दिस किले मोरीगढ़, एंड कि यहाँ से सिर्फ जो होगा आपकी निगरानी वगैरह होगी, क्योंकि यहाँ से आपको सब तरफ दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा। इवन तो यहाँ से पे भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे, क्योंकि हाइट कुछ ज़्यादा है। एंड इसके अलावा बाकी मतलब यहाँ किले के ऊपर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि दीवारें हैं, गेट है, मंदिर है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा पहाड़ है। एंड पहाड़ के ऊपर बस ऐसे टापू है, एंड बस ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं तो उन्होंने यहाँ पर ये झंडे वंडे लगा दिए हैं, जो हमारे शिवाजी का झंडा होता है बस। तो दिस इज झंडा ऑफ शिवाजी महाराज, हवाई नहीं है तो कहाँ से उड़ेगा। एंड इसके अलावा जब हम थोड़ा और आगे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एक व्यू मिलता है, यहाँ पे ये पानी की टाकी टाइप का कुछ बना हुआ है, पता नहीं दरवाजे हैं या पानी की टाकी है, बट यहाँ से पानी भरा हुआ है, तो शायद ये पीने के पानी वगैरह के लिए वो लोग व्यवस्था रखते होंगे पुराने ज़माने में। एंड इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट टाँकी जो है वो बनी हुई है, मतलब पुराने ज़माने की ही है, तो ज़रूरी है भाई। अब जो लोग यहाँ काम करते थे, जो लोग रहते थे, उन्हें पीने के लिए पानी तो चाहिए, तो
बेचारे नहीं तो रहेंगे कैसे। एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसा होता है बॉस, चारों तरफ का। हाँ, इसके ऊपर भी ये पॉइंट है बॉस। सो दिस इज द हाइट ऑफ किले मोरईगढ़ एंड सो लवली, सो नाइस, व्यू इज ऑसम। तो वो पूरा ट्रैक है बॉस जो हम चल के आए थे वहाँ लास्ट टाइम, हम लोग पैदल चल के आए थे, पूरा जंगल हमने पार किया था, पूरा ऐसा राउंड मार के यहाँ से फिर मैं इसे ऊपर आया था। ट्रैकिंग इज रियली रियली सो थ्रिलिंग, इज सो नाइस, अमेजिंग, एंड व्हाट टू वी से, जस्ट लाइक ओ माय गॉड आई हैव डन इट, और रियली आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट वॉस। हाउ राइट गाइस, सो बस चलो फिर मैं दो चार फोटोज वगैरह शूट करता हूँ आप लोगों के लिए एंड निकलता हूँ यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया है। एंड दो यहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इससे बेटर है कि प्यास लगे कुछ लगे उसके पहले मैं नीचे पहुँच जाऊँ जहाँ पानी अवेलेबल था झरने के पास, उसके बाद में फिर आप लोगों से आराम से बात होगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कम दिस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, इफ़ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, बोल बार बोलने मत लगाया करो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके भाई को आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट, चलो सी यू ऑन द नेक्स्ट स्पॉट। सो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो पॉइंट है, और यहाँ से जो व्यू है ना, मैं आपको एक फ़ोटो डालता हूँ उसमें, अब मेरे फोटोज़ कैसे करना, ये इमेज है ना हमारे इंडिया के मैप की तरह बनती है यहाँ से, लुक लाइक फ्रॉम हियर टू देयर इट विल बिकम लाइक इंडिया मैप, हमारे इंडिया का जैसा मैप है ना, आपको उसी तरह से उसमें ये पेड़ एक आ जाता है जो काफ़ी अच्छा, जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसका का व्यू होता है, पेड़ पौधे छाँव हमारे इंडिया से मैप की तरह आ रही है साउथ के ऊपर, इस तरह का इमेज आई फील फ्रॉम हियर। सो मैं इस जगह का पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दूंगा हमारे इंडिया मैप पॉइंट ऑन द किले मोरईगढ़, इंडिया मैप पॉइंट इन द किले मोरईगढ़। आई डोंट नो इसके पहले किसी ने इस चीज़ को गेस किया या नहीं, किसी ने इसके पहले कुछ किया नहीं, बट इफ माई ओन क्रिएशन, मैं इस जगह को, इस पॉइंट को नाम दूंगा इंडिया मैप पॉइंट ऑन किले मोरईगढ़। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कम दिस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो। सो बस हमारे किले मोरईगढ़ घूम के हो गया है एंड अभी मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ का ट्रैकिंग ना बॉस बहुत थ्रिल भरा हुआ है, पूरा जंगलों से निकलना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हो अभी मैं किसी जंगलों से जा रहा हूँ, तो इतने जंगलों से निकल के जाना इज़ नॉट ईजी टास्क। एंड ये तो फिर भी अभी मैं ग्राउंड पर आ गया हूँ, जो ऊपर का ना बॉस जो लास्ट वाला खतरनाक है, आई हैव सीन, आज मुझे जितने भी लोग मिले उनमें से 50-60% लोग ऊपर गए ही नहीं है, दे कम बैक फ्रॉम द मिड वे। इवन तो मेरे साथ में जो हमारे बंदे आए हुए थे, हमारे पंकज भाई और उसके उनके दोस्त, वो दोनों भी रास्ते से ही वापस चले गए, बिकॉज द ट्रैक वाज वेरी टफ। सो दे कांट गो देयर, ये देखो बॉस, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, दैट इज किले मोरईगढ़, उस ऊपर में गया हुआ था। एंड रियली जो रास्ता है ना बॉस, रियली रियली चैलेंजिंग है, मज़ा आया। हाय गाइस, सो एक्सपीरियंस वाज गुड, आज तक का मेरा जितने भी ट्रैक थे सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रैक मैं इसी को बोलूँगा कि आज तक मैंने जितने भी ट्रैक किए थे, जितने भी क्लिक किए थे, अगर से सबसे ज़्यादा थ्रिल, सबसे ज़्यादा मज़ा, तो या सबसे ज़्यादा डेंजर अगर से मैं ट्रैकिंग बोलूँ तो वो यही है। चलना भी थोड़ा ज़्यादा है, वॉक भी थोड़ा ज़्यादा है, चढ़ना भी थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा, आप अगर अकेले आए तो अकेले ही रह जाओगे, या किसी के साथ आए तो किसी के साथ।
बट मेक श्योर कि आप किसी के साथ ही आओ, अकेले ना हो मेरी तरह। एंड बट मॉट से यार, गर्मी बहुत हो रही है, आज मैं अपना जॉकेट भूल के आ गया जो कि मुझे हमेशा धूप से बचाने में मदद करती थी। एंड इसके अलावा बस पीने का पानी भी पूरा ख़त्म हो गया, और जिनके पास पानी था वो लोग भी नीचे चले गए। एंड नथिंग मोर टू बी टॉक, लेट्स गो बैक एट द डाउन स्टेयर जहाँ मुझे खाना पानी मिल सकता है। सो विल सी देयर डियर, कीप वॉचिंग कमलेश, देखता हूँ मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अदरवाइज बस यही लास्ट वीडियो रहेगा। फोटोज वीडियो कुछ खास नहीं है आज के, बट जो भी है मैं आपको बाद में अपलोड, मतलब बस जो भी है बस यही है जो आप देख रहे हो। हाँ, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, फ्रेंड न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब, सी ऑन द नेक्स्ट स्पोर्ट।